सेल सेल सेल, तो सेल के नाम पे आप सभी लोगों को लूटने का काम करा जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, अभी जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा और टाइटल में, ये कोई फेक या तो फिर क्लिक बेट नहीं है, ये कंप्लीटली एक रियल है। ये कैसे होगा नहीं होगा, कैसे आप इस तरीके से इतने कम अमाउंट में इसे बाय कर सको, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी को पता है कि अभी आईफोन का करियर एकदम टॉप नॉच, मतलब टॉप पे चल रहा है। आईफोन के लिए एकदम दीवानगी अपना सब कुछ करने को तैयार है, कैसे भी करके उनको चाहिए आईफोन, आईफोन 13, आईफोन 12, कुछ भी करो कैसे भी करो उनको ये आईफोन। जिन सभी लोगों ने फ्लिपकार्ट से खरीद लिया 50-55 में, वो बढ़िया है भाई, लेकिन जिन सभी लोगों ने नहीं खरीद पाए थे, उन लोगों ने 60-60 हज़ार में आईफोन 13 खरीदा ब्रो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी आईफोन लेना है। सबसे पहली बात, मैं आप सभी लोगों को काफी ज्यादा वार्निंग दूंगा, क्योंकि अभी चल रहा अपना तीन सेल, फ्लिपकार्ट का चल रहा है, अमेजोन का सेल चल रहा है, ये दोनों सेल तो बहुत पहले से चल रहा, अभी तक चल रहा, लेकिन आज के दिन में जियो मार्ट का एक सेल आया, दूसरा आया कैशिफाई का। अब सबसे पहले मैं जियो मार्ट के सेल पे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को कैशिफाई का क्लियर कर देता हूं। देखो कैशिफाई पे क्या, आप सभी लोगों को पता वहां पे मिलते हैं सेकंड हैंड फोन। अगर आप प्लान कर रहे हो फोन लेने का, स्पेशली कैशिफाई से, कैशिफाई में आपको आईफोन 12 मिला कितने का, 35,000-40,000 तक का मिला, वो गुड कंडीशन और सुपर कंडीशन में मिला। सबसे पहली बात मैं क्लियर बात बोल दूं, अगर आप कैशिफाई से कुछ भी आईफोन ले रहे हो भाई, मेरे तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे मैं अपन पर्सनली आप सभी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप 40-50 हज़ार रुपए दे ही रहे हो तो 5-6 हज़ार रुपए मिला के आपको नया फोन मिल जाएगा। लेकिन नया फोन कुछ लोग क्या हड़बड़ी कर रहे हैं, उनको अभी फोन चाहिए, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने लैपटॉप लिया था कि मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, वैसे आईफोन के साथ लोगों के साथ हो रहा, मैं उनका फीलिंग समझ सकता हूं। लेकिन ये बात याद रखना, हड़बड़ी का काम हमेशा खराब होता है, तो हड़बड़ी करके जो आप कैशिफाई से सेकंड हैंड फोन लोगे, वो मेरे हिसाब से मुझे भले उसमें वारंटी मिल रहा है 6 महीना वो वारंटी दे रही है, लेकिन मान के चलो आप 40,000 रुपए में पुराना फोन खरीदे हो कैशिफाई से। और जो दूसरी बात है वो आईफोन 13 का, आईफोन 13 भी कितने में मिल रहा है, 45,000 में, 50,000 में आईफोन 13 मिला कैशिफाई से, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो गुड और सुपर कंडीशन में, वहां में भी यही रहेगा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का यूज करा हुआ आपको फोन मिलेगा, उसका कंडीशन कैसा है, बैटरी कैसा नहीं है, वो तो आपको मेंशन करा हुआ नहीं है कि इतना परसेंट इसमें बैटरी ये हुआ फलाना ढमकाना, एक बार आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, फिर उसमें रिफंड का कोई भी मतलब चांस नहीं कि आप उसको रिफंड कर सकते हो, रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिफंड नहीं हो सकता है। तो मेरे तरफ से तो मैं एक क्लियर बात बोलूंगा, जो मेरी ऑडियंस है, मेरा मतलब कैशिफाई से कोई स्पेशली कुछ हेट नहीं है, क्योंकि नो डाउट कैशिफाई पे बहुत अच्छे अच्छे फोन मिलते हैं, आप ले सकते हो, लेकिन पर्सनली अभी के टाइम में, क्योंकि जब आपको नया फोन मिल रहा है मेरे भाई, तो आप पुराना फोन क्यों लोगे, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, लोग अपने पैसे बर्बाद क्यों करें, 2-4 हज़ार रुपए मिला के आपको मिल जाएगा नया फोन। अब देखो कैसे मिला नया फोन, आज हम लोग का स्टार्ट हुआ था जियो मार्ट का सेल, अगर आप लोगों ने आज के लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करो आप सभी को पता होगा, तो आज का जो ये जियो मार्ट का सेल था, इस जियो मार्ट के सेल में आपको आईफोन 12 क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं, बिना क्रेडिट कार्ड के, मतलब आपका जो SBI का डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से, मतलब आईफोन 12 आज के टाइम पे अभी भी शायद मिल रहा है, अब वीडियो अपलोड करने के बाद कब तक ये मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, आईफोन 12 64GB 42-43 का बहुत लोगों ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा जियो मार्ट से आज के टाइम पे न्यू आईफोन 12 खरीदा उन लोगों ने 64GB, और लोग कंसिडर कर रहे थे कैशिफाई से सेकंड हैंड फोन खरीदने के लिए। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कभी भी कुछ भी लो उसको सोचो समझो और दो बार सोच समझ के लो, क्योंकि एक बार अगर आपने बाय कर लिया तो रिफंड नहीं होता, रिप्लेसमेंट होता है। और वहीं पे अगर किसी ने अगर कैशिफाई से खरीदा हुआ भाई, तो वो तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा, क्योंकि 42,000 रुपए में नया मिल रहा है मेरे को आईफोन 12, और लोग 40,000 में खरीद रहे पुराना फोन कैशिफाई से। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है हम लोग आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 कैशिफाई पे 45-50,000 का मिल रहा है गुड सुपर कंडीशन पे, गुड सुपर कंडीशन में वो वही नॉर्मली यूज्ड फोन रहता है, ऐसा मत आप लोग समझना कि वो ओपन बॉक्स फोन रहता है, ओपन बॉक्स फोन सुपर फोन कंडीशन और गुड कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो यूज्ड फोन होते हैं 6 महीने से 1 साल यूज होते हैं, और उसका बैटरी परसेंटेज भी एवरेज 80 के अराउंड रहता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बीस्ट वाली बात आती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अभी चल रहा आईफोन 13 60,000 के अराउंड चल रहा, क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के आपको 58 के अराउंड मिल रहा है, तो आज के टाइम पे जियो मार्ट का जो सेल स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने 55-54 का जियो मार्ट से उन लोगों ने आईफोन 13 बाय करा 128GB 55-56 के अराउंड उन लोगों ने बाय करा न्यू फोन जियो मार्ट से, उन लोगों ने तो बाय कर लिया तो भाई बहुत अच्छी उन लोगों को डील मिल गई, बहुत सारे लोग 60-60 हज़ार में फ्लिपकार्ट से आईफोन 13 बाय कर लेते हैं, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप सभी को बोला था भाई कि एक प्राइस के बाद वो कितना बढ़ेगा, क्योंकि आईफोन 13 का जो MRP प्राइस आप लोग देख सकते हो कितना, उससे क्या है तरह आपको 10-15% का डिस्काउंट मिल रहा है। और लास्ट में जो हम लोग का बात है वो आईफोन 11 का, आईफोन 11 का मैंने स्टोरी डाल दिया था, मैसेज वगैरह सब डाल दिया था, आपको 31,000 का आईफोन 11 मिल रहा था। पहली बात 4G फोन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 4G की तरफ जाएं कि नहीं जाएं। देखो अगर आपको आईफोन ही चाहिए, क्योंकि आईफोन 12 का प्राइस आपको 42-43 का अराउंड मिल रहा है, लेकिन अगर आपको 10,000 सस्ता ही चाहिए तो आप आईफोन 11 की तरफ जा सकते हो, नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा कैमरा आईफोन 11 प्रोवाइड करता है, बट ये बात याद रखना फ्यूचरिस्टिक फोन चाहिए तो 10,000 मिला के आईफोन 12 कंसीडर करो, लेकिन 31 में आज के टाइम में आईफोन 11 लोगों ने खरीदा, तो आज के टाइम में जिन लोगों ने भी मतलब 31,000 में खरीदा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने आईफोन 11 मेरे भाई 64GB 38-38 हज़ार में फ्लिपकार्ट में खरीदा हड़बड़ी करके कि भाई मेरे को लेना है लेना, और प्राइस डाउन हो गया, अब सभी को रिग्रेट होगा, मुझे पता है कैसा रिग्रेट होगा फील होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये सब बात तो अलग है, लास्ट में मैं आप सभी को एक कंक्लूजन वाला बात बोलूंगा, अगर आप सभी लोगों ने फोन ले लिया कांग्रेचुलेशन, कितने में भी लिया कहां से लिया नहीं लिया कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप लोगों ने ले लिया कांग्रेचुलेशन खुश रहो,
लेकिन अगर आप लोगों ने फोन नहीं लिया, मान के चलो iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 11, इन सभी मुझसे फोन या कोई सभी फोन आपने नहीं लिया और आपको अगर अच्छा डील नहीं मिला, क्या करना, आपको जस्ट वेट करना। वेट करोगे भाई, थोड़ा सा आपको अच्छा डील मिलेगा ही मिलेगा। आप बोलोगे आदिल भाई कब तक वेट करेंगे? देखो भाई, एग्जैक्ट डेट हम तो कोई मतलब ये नहीं ना कि भाई एग्जैक्ट डेट आपको बता दे, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करोगे, पेशेंस से लोगे भाई, आपको अच्छा डील मिलेगा ही मिलेगा। हड़बड़ी करिए, लोगों ने iPhone 13 128GB 62 तक में खरीदा है, 62 63 में आप लोग समझ सकते हो कैसा डील है, और जिन लोगों ने अभी 55 54 में खरीदा उनको कितना अच्छा डील मिला। तो लास्ट में यही भाई, अगर अच्छा डील मिला तभी लो, अच्छा डील नहीं मिला तो मत लो। जियो मार्ट में आप लोग एक बार जाकर ट्राई कर लो, शायद आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं। अगर आपको मिल रहा है आईफोन 12 पे अभी बहुत अच्छी डील मिली है, 42 43 का मिला, चुम्बेश्वरी डील है भाई, हाईली रिकमेंड। आईफोन 12 को जाने मत देना, अगर अभी के टाइम पे आईफोन अवेलेबल है तो ले लो भाई अभी जाके। और आईफोन 13 भी आपको 55 के अराउंड मिल रहा है भाई। तो लास्ट में मोटा माटी बात यह आती है कि जियो मार्ट में आपको अच्छा डील मिला, लेकिन आईफोन 13 में उन लोगों ने ऐसा कंडीशन लगा के रखा है, अगर आप 70,000 से ऊपर का बाई नहीं करोगे तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा उससे में इंक्लूड कर सकते हो, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और लास्ट में बोनस टिप ये है कि 20 तारीख को शायद अपना एक सेल आ सकता है, कंफर्म नहीं है कि 100% ये आएगा ही आएगा, लेकिन 20 तारीख के अराउंड 18-20 के अराउंड एक सेल आने का चांस है, हो सकता है बहुत हाई चांस है कि अपना सेल आए फ्लिपकार्ट पे। अब उस पर प्राइस क्या रहेगा नहीं रहेगा वो कंफर्म नहीं है, तो होप सो उम्मीद है कि अच्छा डील आएगा, बट ये कंफर्म नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा अपने आंख खोल के रखो, थोड़ा ऐसे अपने पैसे को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार आपने अगर फोन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस होगा, रिफंड नहीं होता है, ये बात रखना। आप सभी लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहां तुम्हारा भाई इंस्टेंटली रिप्लाई कर देगा, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, तो इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई इंस्टेंटली रिप्लाई कर देगा। मिलते हैं बॉयस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इसी धमाकेदार चुम्बेश्वर एकदम बूम चिकी भूमि भूमि टाइप कॉन्टेंट के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने पैसे को थोड़ा सेव और अच्छी जगह पैसे डाले, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने मोबाइल को एटलीस्ट 3 से 4 साल यूज कर सके, हड़बड़ी करके अपने पैसे को बर्बाद ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो वही लास्ट में बोलेंगे, सावधान रहो, सतर्क रहो और अच्छे से बाय करो।